दीदी शिव हम जेर माता तो कैसे हो सारे और आज की वीडियो में लेके आया हूँ कमेंट्स इन सी प्लस प्लस एक कमेंट्स क्या होते कोड ओके like 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 okay. तो जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम बनाया था ओके okay. तो उसी पे बात होगी फिलहाल ऐसे समझो कमेंट्स को कि कमेंट्स इज नॉट एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट अच्छा ये चीज हर कोई बोलेगा लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा तो जैसे तो लास्ट वीडियो में हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था ठीक है है नहीं देखा चेक आउट करना। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा कैसे करना है कि कोड को एक एक चीजें समझनी है अब उसके बाद जब कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर लिख दे रहे हो एक महीने एक साल बाद आते हो या कोई और बंदा आता है आप जॉब छोड़ जाते हो तो वो कोई बंदा उस कोड को कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ गया उसको अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को तो कैसे होगा जब वो पढ़ पाएगा तो वहां पे हमारे कमेंट्स रोल प्ले करते हैं तो या तो खुद का ही कोड दोबारा पढ़ने में हेल्प करने के लिए कमेंट्स का यूज किया जाता है या कोड में बग निकालने के लिए भी किया जाता है तो कमेंट्स को ऐसे ही समझना है कमेंट्स यह लगेगा चैटिंग विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप सेम लगेगा चैटिंग विद योर कोड ऑन कंसोल अपना राइटिंग पैड ठीक है जहां पे हम कोड लिख रहे हैं ओके okay, सो so, यूज कहां होता है मैंने आपको दोनों जगह बता ही दिया कि कमेंट्स को यूज़ किया जाता है जनरली सी प्लस प्लस के कोड को एक्सप्लेन करने में ताकि आपको खुद पढ़ने में आसानी रहे और दूसरा इसका अल्टरनेटिव यूज होता है कि भाई जहां पे कोड को चलाना है कुछ कोड चलाना है कुछ कोड नहीं चलाना जिसमें प्रॉब्लम है अभी मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली तो वहां पर यूज किया जाता है तो कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं वो बताता हूं मैं दो टाइप के कमेंट्स होते हैं सिंगल सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स अब सिंगल लाइन और मल्टी लाइन से क्या समझेंगे तो कुछ ऐसे समझना है आपने को कि सिंगल लाइन अपने क्या हो गया जो अगर मेरे को एक लाइन कमेंट करना है सिंगल लाइन सिंगल लाइन में नाम में कुछ समझो एक लाइन की बात कर रहा है तो जब एक लाइन को कमेंट करना होगा तो अलग तरीका है और एक से ज्यादा लाइनें होंगी तो अलग तरीका है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई लॉजिक लिख रहे हो अपने कोड का तो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हो तो वहां आपको क्या करना वहां कोड पे वहां पे लिख दिया ठीक है कि ये वाला कोड मेरा ये काम कर रहा है अब आप तो नहीं चाहते ना वो चीज चले क्योंकि वो कोड का पार्ट नहीं है वो क्या है आपके लिए है ठीक है तो नीचे की लाइन चले तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा हमें कमेंट ओके यहां पे कमेंटिंग यूज की जाती है प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा जैसे कि हमने ये फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जावा सॉरी सी सी प्लस प्लस में बनाया था तो इसका क्या करना है कि इसका जो सी प्लस प्लस का है इसी को मैं कमेंट करके देखो थोड़ा सा कैसे करूंगा अगर पिछला आइडिया हो तो थोड़ा थोड़ा आप भूल भी रहे हो। जैसे हैज इंक्लूड किस लिए यूज करते थे याद है तो include, इंक्लूड इंक्लूड फाइलों को करने के लिए यूज करते थे आयो स्ट्रीम आयो क्या कर रहा है इनपुट आउटपुट जो हमारे फंक्शनलिटी के फाइलें हैं जो सी आउट दे रहा है मेरे को ठीक है सी आउट कर रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है रिटर्न जीरो क्या कर रहा है एग्जिट गेट का, का, का काम कर रहा है इंट मेन क्या कर रहा है एंट्री गेट का काम कर रहा है तो इसको जरा मैं कमेंट करूंगा फिर देखो कि जब अब नेक्स्ट टाइम भी पढ़ने आओगे तो हर चीज पढ़ने को मिलेगी ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया क्योंकि मुझे पता था आप नहीं पढ़ पाते इतना आसानी से ठीक है तो देखो हमने क्या करना है यहां पे अब बात करें सिंगल लाइन कमेंट तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है ऐसे ये होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट देखो अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा सी रन करूंगा कोड को रनिंग में मेरा हेलो वर्ल्ड ही देगा अच्छा ज इंक्लूड ओके सी एल यू डी कर रखा था ठीक है रन करेंगे आप इसको तो ये मेरे को हेलो वर्ल्ड देगा बिना प्रॉब्लम के जो सिंगल लाइन कमेंट यानी कि जो मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखा वो इसने क्या कर दिया स्किप कर दिया अगर गलती से मैं ये डबल स्लैश ना डालता तो क्या ये प्रॉब्लम देता लेट मी चेक ये प्रॉब्लम देगा तो ये लाइन का मेरा एक मतलब आप मेरे को पता चल रहा है फिलहाल यूं समझो कि जो मैं क्या कर रहा हूं यहां से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूं ठीक है तो ये जो मेरा सी आउट के है ये सी आउट मेरा क्या प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है तो इसके ऊपर मैं लिख सकता हूं हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्टेटमेंट ठीक है तो ये मेरी क्या है हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्टेटमेंट ये किसके लिए है मेरे लिए है लेकिन मैं कोड में भी तो पढ़ना चाहता हूं तो मैंने फिलहाल ऐसे लिख दिया रिटर्न जीरो क्या है मेरा एक एग्जिट गेट है तो यहां मैं लगा रहा हूं एग्जिट गेट ताकि मैं पढ़ पाऊं और मैं यहां पे क्या कर दूंगा इंट मेन क्या है मैंने जैसा आपको बताया एंट्री गेट है किसी भी घर का तो ये हो गया मेरा एंट्री गेट अब देखो इट्स क्वाइट की आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो और जब आप रन करोगे तब भी देखो तो ये एरर ही देगा अब इस चीज से बचने के लिए क्योंकि ये एंट्री गेट हेलो वर्ल्ड प्रिंट स्टेटमेंट या एग्जिट गेट ही हमारे समझने के लिए किसके लिए हमारे समझने के लिए तो हमारे समझने के लिए तो यानी कि मेरे को कोड का तो पार्ट नहीं है कोड जब चले रन हो तब इनको क्या कर दे स्किप कर दे तो इसके आगे क्या, क्या लगा दो ये लगा दो ऐसा कुछ कर दो और जो मेरा ये एग्जिट गेट है इसके आगे कर दूंगा मैं ऐसे ठीक है अब ध्यान से देखोगे तो मैं हर चीज पढ़ पा रहा हूं इसमें अब देखो मैं रन करूंगा तो मेरे को हेलो वर्ल्ड भी बेहतरीन सा दे देगा ठीक है अब मैं पढ़ पा रहा हूं कि सी आउट मेरा क्या कर रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल सी आउट आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट अब यहां लिख सकते थे हम कर रहा है सी अपनी लैंग्वेज में लिखो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मुझे क्या दिख गया कि हां मेरे को ये समझ में आ गया अगली बार भी मैं आऊंगा तो सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है रिटर्न जीरो क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है किसको प्रोग्राम को तो यहां पे मैं अपनी भाषा में वो भी लिख सकता हूं तो मेरा एग्जिट गेट हो गया इंट मेन क्या है मेरा एंट्री गेट है अगर इंट मेन नहीं होगा प्रोग्राम में तो मेरा प्रोग्राम चलेगा नहीं तो ये चीज पता चल गई ठीक है हैज इंक्लूड स्ट्रीम क्या कर रहा है तो ये मेरे को सी आउट जो मैं कर रहा हूं सी आउट की क्या दे रहा है लाइब्रेरी फाइल इसके अंदर पड़ी है तो, ओ में होती है, तो आयो स्ट्रीम दोनों का कॉम्बिनेशन है इनपुट और आउटपुट का तो सी आउट क्या कर रहा है मेरे को जो आयो स्ट्रीम है वो क्या दे रहा है मेरे को लाइब्रेरी वाला कर रहा है ठीक है इंक्लूड लाइब्रेरी हो रही है इंक्लूड से तो यहां कर रहा हूं आउटपुट लाइब्रेरी इज इंक्लूडिंग यहां पे क्या हो रहा है आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूडिंग हो रही है ठीक है और इनपुट भी है इसके साथ ही साथ तो जो आई ओ है ना आई ओ आई का मतलब है इनपुट ओ का मतलब है आउटपुट ठीक है दोनों लाइब्रेरी आ रही है आगे इनपुट भी मैं बताऊंगा ठीक है तो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इसमें क्या हो रही है हमारी इंक्लूड हो रही है ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड हो गया अब मैं कह रहा था मल्टी लाइन कमेंट्स ये क्या होते हैं ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं अच्छा एक और ऑप्शन बताया था मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स पे पहले चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स में करना है आपको स्लैश स्टार डालना है फिर एंटर मार दोगे आपको और यहां पे लिखो हाई वी आर हेयर अब देखो दो लाइन से ज्यादा लिख दी मैंने दो लाइन लिख दी तीसरी भी लिख सकता तो हूं बाय बाय ठीक है अब इनको चलाने के लिए आप देखोगे अगर ध्यान से तो हर चीज मेरी क्या हो गई है ग्रीन सी हो गई है हर चीज मेरी क्या हो गई है ग्रीन सी हो गई है ठीक है तो मेरा रिटर्न जीरो भी ग्रीन ही हो गया है ये तो समझ में आ गया जब भी कमेंट होगा कोई भी चीज कोड में तो हमेशा मोस्टली ग्रीन हो जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो आप ज्यादातर मैंने ग्रीन ही देखा है मतलब तो नाइनटी नहीं हंड्रेड मैंने ग्रीन देखा है ठीक है अब मैं क्या बात कर रहा था कि ये नीचे का हो गया यानी कि ये भी कमेंट हो गया अब इसको मैं रोकना पड़ेगा एक रेंज फिक्स करनी पड़ेगी वो क्या होगी मेरे को ये जो स्लैश स्टार लगाया था उसका मेरे को उल्टा लगाना पड़ेगा स्टार स्लैश ठीक है अब ध्यान से आओगे नीचे तो रिटर्न ज़ीरो मेरा सेम हो गया जब मैंने ये लगा दिया ठीक है अब मेरा ये कोड बेहतरीन सा चलेगा और ध्यान से देखोगे कि मैंने दोनों इसमें कितनी तीन लाइन मैंने कर दी तो एक से ज़्यादा लाइन क्या कर दी मैंने कमेंट कर दिया अब मैंने दूसरा ऑप्शन बताया था अल्टरनेटिव वो क्या था मेरा कि इट कैन ऑल्सो बी यूज वेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड यानी कि एक और दूसरा यूज़ है अल्टरनेटिव कोड से क्या समझेंगे यहीं पे मैं दिखता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा ऐसा करते हैं सी hmm. आउट और मैं लिखूंगा हाई ठीक है सी आउट मैंने कर दिया हाई मुझे पता है कि एरर देगा मैंने बोला जो भी प्रिंट करना है उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा इसने क्या लिखा है? Care, नहीं पढ़ पाता बहुत बहुत बड़े हजारों कोड है उसको आप पढ़ नहीं पाओगे जब पढ़ नहीं पाओगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे तो वहां टेस्टिंग होती है जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो वहां क्या लगता है जैसे अपन करेंगे यहाँ पे कमेंट कर दूंगा मैं उसको क्लियर करते हैं अब पहली लाइन को मैंने कर दिया कमेंट ठीक है अब मैंने दूसरी लाइन को चला लिया ये क्या होता है अल्टरनेटिव कोड को कमेंट कर दो और दूसरे को चला के देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है तो ये क्या हो गया मेरा चला नहीं ये एरर दे गया यानी कि मेरे को पहली वाली लाइन जो मैंने कमेंट करी है उसमें तो एरर नहीं है ये चीज़ समझ में आ गई तो अब उसको क्या कर देंगे हटा देंगे फिर दूसरा स्टेप क्या बच गया दूसरा आधा कोड मैंने चलाया अब नीचे वाला कोड को कर देता हूँ कमेंट फिर रन कर लेता हूँ तो मेरे को क्या समझ में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड तो अब मुझे क्या पता चल गया कि सी आउट के हाई में कहीं प्रॉब्लम थी तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में जो सॉफ्टवेयर जो कोड की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती बी टेस्टिंग अल्टरनेटिव क्या ये आपको है तो ऐसा ही कुछ होता है अपना कमेंट्स का अब मिलते हैं जो प्रोग्रामिंग रियल में होती है C++ की उसको लेकर अगली वीडियो के साथ ओके तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ